गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 7, एंड द चैप्टर 7 इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया प्रेजेंटेशन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया प्रेजेंटेशन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया बोलते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन दैट यूजेज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मीडिया सोर्सेज लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, साउंड, ऑडियो, एनिमेशन एंड और वीडियो। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्या है? वो एक एप्लीकेशन है, यूजेज ऑफ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया सोर्सेज। ये इसको यूज़ किया जाता है, यूजेज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया सोर्सेज को कलेक्शन करने का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट हुआ, ग्राफिक्स हुआ, इमेजेस हैं, साउंड, ऑडियो, एनिमेशन या फिर वीडियो। ठीक है, मल्टीमीडिया प्रोग्राम आर कॉल्ड प्रोग्राम। मल्टीमीडिया प्रोग्राम को प्रोग्राम भी कहते हैं। मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस, बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, प्लेइंग गेम, प्लेइंग म्यूजिक, ब्रॉडकास्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मल्टीमीडिया का ये सब में यूज़ किया जाता है। मल्टीमीडिया यूज फॉर इतनी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया सिस्टम इज ए सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मल्टीमीडिया डेटा एंड एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो कि दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मल्टीमीडिया, जो कि कैपेबल होता है प्रोसेसिंग मल्टीमीडिया डेटा और एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया सिस्टम हैज़ 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। मल्टीमीडिया सिस्टम के 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम मस्ट बी कंप्यूटर कंट्रोल्ड। मल्टीमीडिया सिस्टम क्या करता है? मस्ट बी कंप्यूटर कंट्रोल्ड, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। मल्टीमीडिया सिस्टम आर इंटीग्रेटेड। मल्टीमीडिया सिस्टम जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। द इंफॉर्मेशन दे हैंडल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड डिजिटली। इंफॉर्मेशन को ये कैसे हैंडल करता है? दे हैंडल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड डिजिटली। डिजिटली के थ्रू क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द इंटरफेस टू द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडिया इज यूजुअली इंटरैक्टिव। इंटरफेस टू द फाइनल प्रेजेंटेशन, ये फाइनल प्रेजेंटेशन को इंटरफेस करता है मीडिया के और यूजुअली इंटरैक्टिव करता है इसको। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। थैंक यू।